ये एक नया ही आ गया, और ये वो बिल्ली नहीं है, वो बिल्ली के जैसे दिखती है, देखो इतना शरारती जिद्दी है, तो देखो उन्हीं से मत पंगे लिया कर। इसको उसी के साथ खेलना है। इतना उस दिन चोट स्कूटर ठोक गया था इसको, लगी देखो। हाँ चोट है नहीं, कीड़ा है, चीचड़ है। रुक जा, रुक रुक। लोग पालते हैं, ध्यान क्या रखते हैं इसका, कभी ये भूखे रहते हैं, कभी इनको इतना चुप। मोटा चीज निकालो तुम भाई। रुक तो जा, रुको, देख रहे हो? अरे पकड़ने में तो नहीं देना ये। दोनों आगे, एक और है। एक और है, निकल। ये जो छोटा टीचर, अब वो बाथरूम में हाथ कहाँ था, उसको बुलाओ जल्दी। तो उसकी जेरी के साथ खूब जबरदस्त दोस्ती हो गई है, दोनों खूब खेल रहे हैं, और वो छोटी वाली बिल्ली जो है वो उसका नाम क्या रखा है, नोनी। वो बिल्कुल तो बिल्ली जैसी है। उसको भी लाके दिखाओ, वो भूखी होती है ना तो आती है, उसका पेट पिचक जाएगा तो हमारे यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से खा पी के जाएगी, फिर आ जाएगी। और ये पतला वाला देख लो, उसके चक्कर लगे हुए, पता नहीं लोग पाल लेते हैं, ध्यान रखा नहीं जाता। ये रही बिट्टू, बिट्टू मिली लगती है, मिली। नो नो नो, आप लोगों को याद होगा जब ये आई थी तो बिल्कुल चल नहीं पाती थी इसको, देखो एकदम फिट है, देखो भाग गया। जब ये आई थी तो उसके पैर चल नहीं पा रही थी, ऐसे रगड़ के चल रही थी। फिर हमने इसको 3 दिन रखा, खाना वाना दिया, भूख बढ़ गया था कि खाने की कमजोरी की वजह से, कमी की वजह से ये नहीं चल पा रही, और अब एकदम फिट है, बढ़िया खाना वाना खा के एकदम फिट है। यहाँ आती है 2-3 घंटे रुकती है, खूब खाना वाना खाती है, फिर चली जाती है। ये उन्हीं की है जो बाहर जिनकी सब्जी टॉनी। इसको भी उसी के साथ खेलना है। वो एक दो बार इसको काट लेगा ना तब बाजेगा। जेरी खेलना, जेरी के साथ ही खेलना, इसके साथ ही खेलना। याद से हिमालयन वाला जो पाउडर है ना, वो जितने भी ये चारों पांचों जानवर है सबके डालो। ये बाहर से घूमता रहता है सड़कों पे, ये वहां से चीचड़ लाएगा, फिर इनके भी ये लगेंगे कीड़े, तो इसके भी लगाओ, उसके भी लगाओ। और वो जहाँ से वो निकाला है ना कीड़ा, वहां पे उसके थोड़ा सा जख्म हुआ है, तो उसका वो है ना पाउडर जख्म वाला, वो लगा दिए उसके। वैसे तो खुद ही सूख जाएगा, पर लगा दिए। उस दिन उसको स्कूटर वाला ठोक गया, वो दो औरतें स्कूटर पे जा रही थी, हाँ पप्पी को, तो हम लोग, मैं बाहर गया था, वो सब्सक्राइबर आए थे ना जो लाए हैं, ये पूना के कह रहे मशहूर आइटम है कोई, तो अच्छी है, दिखाए ये आइटम, पूना की कोई मशहूर आइटम है बेकरी की, और खाई हमने, अच्छी है ये। हमारे एक सब्सक्राइबर है, वो लिखे है, सब्सक्राइबर नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है और कमेंट भी नहीं कभी किया है, पर आपके वीडियो काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा हूँ, और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मैंने शायद पिछले साल या कुछ टाइम पहले आपका घर ढूंढने की कोशिश करके मिला नहीं था। इस बार वो ढूंढते हुए पहुँचे अपनी वाइफ के साथ, 2-3 घंटे हम यहीं बैठे, मैं अकेला था, ये लोग दिल्ली में थे। तो ये और एक आइटम और भी लाए हैं, तो दूसरी आइटम क्या है, गुड़ का कुछ है। हाँ मैंने बोला था, मैंने कहा मेरी वाइफ को गुड़ पसंद है, वो कह रहे एक आइटम गुड़ की है उसमें। तो उस दिन मैं उनको छोड़ने बाहर गया ना,
तो ये वो हाइको आई हुई थी उसके साथ, कौन सा था उसके डॉगी का नाम, नीरो। नीरो। तो ये उसके पीछे पीछे नीरो के ब्रिज की उस तरफ चले गया, पीछे स्कूटर पे दो औरतें आ रही थी, वो टकरा गया उनसे, तो लंगड़ा के चलने लगा, हमें लगा पैर के ऊपर से गुजरा है, पर वो पैर के ऊपर से नहीं गुजरा था, वही वो पैनिक अटैक ना, ये लोग एक्टिंग भी ज्यादा करते हैं। फिर मैंने उठाया 10-15 मिनट उसको थोड़ा रखा गोद में, हाँ गोद में रखा, फिर छोड़ा धीरे से, थोड़ा थोड़ा चलने लगा, फिर देख लिया बिल्कुल फिट है, बहुत एनर्जेटिक, इतना भागता कूदता है ना, अभी गिरा दिया था सोने लोगे लल लल, पहले थोड़ी भी ऐसे ही था ना। हाँ ये देखो उसको वो खाना इसमें ये वो नमकीन होती है ना, जो नमकीन भुजिया टाइप वो भरी हुई इसमें ना नमकीन भुजिया भर के ना, वो जो कचौड़ी के अंदर दाल नहीं लगा देते, वो दोनों तरफ लगा दी ताकि बाहर ना आए ना, अंदर सूखी भुजिया भरी हुई है। दिखाइए क्या है, चॉकलेट बिस्किट, ये किसने दिए, रवि जी ने पैकेट में बिस्किट दिए थे, वहां तो हम खा नहीं पाए, हम अपने साथ यहाँ लिया, ये कोई गोल्डन वाले अच्छे लगे, ये ब्लैक वाले डार्क चॉकलेट चकली दी। यहाँ पे गर्मी है दिल्ली में, हम सोच रहे दिल्ली में गर्मी होगी, वहां पहुंच गए एकदम मौसम ठंडा, वहां भी वहां पे गर्मी की दिक्कत ही नहीं होगी। हां आवाज आएगी नहीं, माइक वहां रखा हुआ, जिसको माइक लगाया वो बोल नहीं रही है, माइक का मुंह बाहर की तरफ है। तुम्हारे पीछे मैं पूरे 5 दिन कसीनो गया हूँ लगातार, लोग कह रहे आप तो खूब कसीनो जा रहे हो, डेल्टिन रॉयल गया मैं पहली बार। अरे भाई इसी को देके खत्म कर देगी, उसको अच्छा लग रहा है वो, ये तो कुछ भी खा लेगा, हम क्या खाएंगे, उसको चकली देना, नहीं खा रहा वो भी चकली। अरे अरे डेल्टिन रॉयल में तुम पहले भी गए हुए थे ना, 3 साल पहले मैं जाता था, जब मैं गोवा आता था शिफ्ट होने से पहले 4-5 बार आया तो डेल्टिन रॉयल में कई बार गया हूँ। उस समय क्या होता था, 20,000 रुपए की बाइंग करो एंट्री फ्री, नहीं तो एंट्री तो उस समय भी महंगी थी इसकी, आज भी सबसे महंगी है। तो उस समय 20,000 के जो नॉन नेगोशियेबल चिप मिलते थे वो आउटर बेट के लिए होते थे, और मैं तो नया अनाड़ी था तो मैं आउटर खेलता था। अब समझ में आ गया कि आउटर में तो कभी आप जीत नहीं सकते, अब मैं इनसाइड बेट खेलता हूँ तो वो कह रहे कि यार इनसाइड आप लगा नहीं सकते, तो मैंने फिर काटा मार दिया। पर मैंने कहा ना मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है, मैं जब भी जाता था चांसेस या पंजीब इस शिप को देखता था, यार ये शिप में जाना है रेगुलर बेसिस पे, मतलब बड़ा गैम्बलर यही मुझे बनाएगी। पर मैं कहता कैसे जाएगा, क्योंकि लाखों रुपए की तो बाइंग कभी करेगा नहीं, तेरी एंट्री यहाँ होगी नहीं, आउटर बेट तो खेलता नहीं। पर वो देख ले वो, फिर वो लोग आए उस वाल जी, उन्होंने मुझे बताया, कह रहे कि यार आप 50-50 हज़ार का बाइंग करते हो चांसेस में, तो आपका तो वो एक तरह से वेस्ट ही है ना, नॉन नेगोशियेबल 50 का बाइंग करने का कोई तुक नहीं बनता, वहां तो 5,000 में ही एंट्री है। तो आप जो सबसे पीछे सबसे बड़ा क्रूज है 4 फ्लोर का, जिसमें सिर्फ एक ही कलर की लाइट जलती है वाइट कलर, उसका नाम ही रॉयल है इसलिए, बाकी सारे क्रूज में कोई लाइट ऐसी नहीं होगी रंग की जो ना जलती है, पर उसमें सिर्फ एक ही लाइट जलती है। बना भी अच्छा है। 5 दिन लगातार गया हूँ, पहले दिन गया था चांसेस, उस दिन 20,000 प्लस, दूसरे दिन गया न्यू मजिस्टिक, मैंने कहा पास में ही है, उसमें भी 10-12 हज़ार रुपये 10,000 समथिंग के लेके आया था। तीसरे दिन रॉयल गया था,
रॉयल उसी दिन गए ना जिस दिन वो लोग यहाँ पे आए थे। हाँ उसी दिन ही तो यहाँ मिले, फिर शाम को वहाँ मिले मुझे रॉयल में। तो 5 दिन में लगा। अब जब लोग बोलते क्यों जाते हो, या कई लोगों के कमेंट आते हैं कि आप तो बोलते जुआ छोड़ दो आप खुद खेलते हो, भाई एक तो लीगल गैम्बलिंग की बात करो, और मैं अगर वहाँ से पैसा कमा सकता हूँ मुझे अच्छा लग रहा है मैं क्यों ना जाऊँ। अभी 5 दिन गए हो लगातार तो दिख रहा है कि गए हो, और जब नहीं जाते हो इतने टाइम तक वो नहीं, 4-4 महीने नहीं भी तो जाता है। देख अब थक गया, पड़ गया कैसे अब थक गया एनर्जी बहुत है। अभी नहीं थकेगी, ये दोनों पानी रखा इनकी खेल खेल के ये लेट होनी कोई खा ही नहीं रहा। हाँ तो वो मत दो ना, डेल्टिन में एंट्री करी वहां पे एक मैनेजर है शिवराज, वो आया मेरे को कह रहा सर मैं तो आपको आपके वीडियो देखता हूँ, फिर उसने सारा मेरा वो कार्ड वार्ड पूरा बनवा के दिया, एंट्री कार्ड वगैरह, उनके जो रूल थे कि भी इतनी की बाइंग करनी है। फिर तो उसने बोला सर, फिर वो मेरे को दोबारा थर्ड फ्लोर पे मिला, उसने कहा सर टूर्नामेंट खिलवाता हूँ आपको, तो टूर्नामेंट था उनका, उसमें वो 2 लाख रुपये की चिप देंगे आपको, 10 राउंड के अंदर रूलेट में आपको उसको बढ़ाना है, जिस जो सबसे टॉप 3 होंगे वो सिलेक्ट होंगे। तो जब मैं पहले दिन तो मैं ऐसी समझ ही नहीं आया, मतलब डमी चिप है तो ऐसी उठपटांग खेल खाल के आ गया जैसे वीडियो गेम है। दूसरे दिन मैं थोड़ा सीरियस होके खेला तो उस दिन मेरे 2 लाख से मैंने 9,70,000 के करीब बनाए। नहीं वो उसमें फर्स्ट नंबर पे जो बंदा था वो 20 लाख पे था, थर्ड वाला वो उन्हीं के थे, सेकंड वाला 11 लाख पे था, मैं 9 लाख पे था। तो मैंने कहा कि यार थर्ड वाले को वॉच थी, सेकंड वाले को गोल्ड कॉइन था, और फर्स्ट वाले को 15 लाख के नॉन नेगोशियेबल चिप थे। मैंने कहा अपने को तो 15 लाख के नॉन नेगोशियेबल चिप चाहिए, गोल्ड कॉइन में अपनी दिलचस्पी नहीं है, घड़ी में पहनता नहीं, अब शौक नहीं रहा। मैंने 8, 9वें और 10वें राउंड में पूरे 9 लाख रुपये की बेट लगा दी कि अगर एक भी बेट आ जाती तो मैं सीधा फर्स्ट वाले से आगे निकल जाता। पर वो 9वें राउंड में बॉल जंप कर गई, बॉल बाहर गिर गई, जब बॉल बाहर गिरती है तो फिर वो चेंज हो जाता है उसका रूलेट का फॉर्म, फिर वो बुलाते हैं अपने सीनियर को, फिर वो दूसरी बॉल चेंज होती है, फिर वो आपको बोलते हैं कि आप बैट चेंज कर दो, चाहते हो तो अगर करना है तो चेंज कर सकते हो। मैंने चेंज ही नहीं करी, वो पैटर्न ही चेंज हो गया, फिर नहीं आई वो। उस दिन तेरे इसके मम्मी के हाथ में लग गई बॉल घुमाई, उसने बॉल तेजी से घुमाई, वो बॉल उछल के इसके हाथ में लग गई, नील पड़ा हुआ देख ले। वो बहुत तेज घुमाते ना कभी कभी, तो इतनी तेज बॉल घुमाई रूलेट में उसने। यहाँ पर ना क्लासिक रूले है, ये मैनुअल रूले है जो हाथ से बॉल घुमाते हैं। अब लोग बोलते हैं बॉल में रिमोट होता है, मैग्नेट होता ही होता है, अब बॉल तेरे हाथ में लग के नीचे गिरी, लोगों ने बॉल उठा करके दी, वो सिंपल बॉल है यार। भाई नील पड़ा हुआ है अभी तक, दिखाओ कैमरे में नील, इतनी जोर से छोटा था ऐसा थोड़ी। मैं यही बोलता था श्रीलंका के अंदर, वो नेपाल में, काठमांडू में, बेले कचनो में मैनुअल रूलेट है, बॉल उछल के गिर जाती थी, हम लोग उठा के देते थे बॉल। एक मेन बात तो तुमने बोली ना, ये चीज तभी नोटिस होती जब आपके बैट जा रही होती, आने के टाइम पे नहीं कहता कि देखो उछल उछल के मेरे में आई है। अब मैं पिछले 17 बार में मैं कितने 14 बार प्लस रहा हूं, तो ये कोई चीटिंग हो रही होती तो ऐसा हो जाएगा? उनको दिख नहीं रहा यार एक आदमी आता है रोज, आता है रोज, आकर के पैसे लेकर के चले जाता है, और ऊपर से अब इन्हें ज्यादा की खरीदता है तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें मालूम है कि एक लेके जा रहा है, हाँ। हजार देके जा रहे हैं, एक ही तो लेके जा रहे हैं तो हजार देके भी तो जा रहे हैं, ऊपर से जो लेके जा रहा है कभी ना कभी इसकी खोपड़ी पे शैतान नाचेगा, ये भी देके जाएगा। जुए का इजी मनी को पचाने के लिए भी तो डाइजेशन पावर चाहिए। सही बात है, लोग आसानी से पैसा तो कमा लेते हैं, इसीलिए मैं पैसे को ना बोलता हूँ, इसीलिए मैं YouTube से अपना जो अपना घर 27,000 में चल रहा है उसके ऊपर के पैसे है, तुझे मालूम है उसके ऊपर के पैसों को मैं क्या कर रहा हूँ, जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ करके उसको ठिकाने लगाना पड़ रहा है या मना करना पड़ रहा है, भाई नहीं, क्योंकि पैसा आना, पैसा नहीं है एक समस्या है, पैसा है तो 100 समस्या है। नहीं है तो सिंपल है कि एक ही समस्या, पैसा होना चाहिए, इसलिए मेरा पूरा फोकस है कि मेरा घर 27,000 में चलता है,
ये 27 से ऊपर के जो भी पैसे हैं, या तो मैं उसको सही जगह पे यूज करूं, या खर्च कर दूं, या आने से रोकूं, क्योंकि खोपड़ी घुमा जाएंगे। पचाने की क्षमता, लोग ना पैसा कमाने के पीछे भागते हैं। अरे कमा तो लोगे, पचाओगे कैसे? काजू बादाम चाहिए, लो भर लो काजू बादाम, शरीर पचा नहीं पा रहा, रोज खा रहे हो, रोज लूज मोशन लग रहे, क्या करोगे? और पैसे का लूज मोशन तो बड़ा खतरनाक होता है। उस दिन रॉयल में मैंने पहली बैट में मेरा स्ट्रेट अप आ गया। अच्छा, रॉयल बड़ा प्लेयर बना सकता है मुझे, क्योंकि रॉयल का रूल है कि 200 से नीचे की चिप ही नहीं है। मैं 50 की चिप से खेलने वाला बंदा, अब जाके तो मैं अगर 3-4 चिप एक नंबर पे ठोक दूं, वहां तो मिनिमम चिप ही। अभी तक मैंने रॉयल में किसी भी बैट पे 2 चिप नहीं लगाई स्ट्रेट अप, एक ही आ जाती है, उसमें सीधा 7200 रुपए आते हैं। तो उस दिन लगातार मेरे 2 स्ट्रेट अप आ गए जल्दी जल्दी। तो उसने डीलर ने बोला, सर ऊपर के 200 रुपए के 2 चिप के लिए बोली करी सर, दिस फॉर डीलर। मैंने कहा नो, मैं नो बोला, सब लोग मेरी शक्ल देखने लगे। उसके बाद मेरी दोनों बैटिंग नहीं आई, मैं समझ ही नहीं आया कि मैं जा रहा हूँ। नहीं, ये तो मैंने देखा, ये टोटका है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई उसके हाथ में है, वो तो बॉल घुमा रही है, कहीं पे भी किसी ने टोका टाके कर दी ना, फिर वो पैसे नहीं पड़ते। हाँ, ये ही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा माइंड गेम है। अगर आपको किसी भी तरह की टोक लग गई, किसी ने टोका या नहीं भी टोका, आपको कोई चीज अनकंफर्टेबल लग गई, कोई चीज ऐसी इरिटेट करने लग गई, आपका वो काम की परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगी। यही सेम चीज जिंदगी में भी होती है, पर जिंदगी में हम इस चीज को नोटिस नहीं करते, तो मौसा, भूआ, फूफा, चाचा, ताऊ सब नेगेटिविटी से भरे हुए ड्रम है, पर वो दिख नहीं रहा है, वो जिंदगी में आगे आपको बढ़ने नहीं देते। इसीलिए फ्रेडरिक नीचे ने, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी कहा जाता है, उसने कहा था कि जो लास्ट मैन मेंटेलिटी है के लोग होते हैं और स्लेव मेंटेलिटी के लोग होते हैं, ये जीनियस को बनने से रोकते हैं, जीनियस को बनने नहीं देते, उसको नीचे खींचते हैं। अब ये कोई मार्स से तो नहीं आया, ये हमारे घर के ही लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। विड्रॉल करने का टाइम पे वो बोल देंगे पूरा, इतना नहीं निकलेगा, इतना निकाल दूं, वहीं पे वो काम हो जाता है। ये तो चल गैम्बलिंग की बात हो गई, मैं ओवरऑल गैम्बलिंग तो एक छोटा सा पार्ट है। लोगों को लगता है कि अब अपने को गैम्बलिंग से, मेरे को मालूम है कि अब मेरे मुझे, और ये जो स्किल जो डेवलप है रूले की, और किसी गेम के बारे में तो मैं नाड़ी हूँ, मैंने कभी नहीं बात करी। एक गेम के ऊपर मैंने 5 साल दिए हैं और मुझे इसके ऊपर इतना भरोसा था, मैं कहता था बस मैं अपनी ट्रिक अप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि जेब खाली है। आज यूट्यूब से जो थोड़ा सा पैसा आया उससे मैंने अपनी ट्रिक अप्लाई करी, तो देख लो उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ सकता है। इससे तो ये मालूम है ना कि यार आपके पास पैसे कभी खत्म ही नहीं हो सकते, दुनिया के हर जगह पे कहीं ना कहीं जुए करता है, पर कितना, वो तो समंदर है, आप कितना लाओगे वहां पे। जो लोग बर्बाद होते हैं वो इसीलिए तो होते हैं, उनको पता ही नहीं। जीवन में भी लोग जुआरियों से ज्यादा खतरनाक तो ये आम लोग हैं। जुआरी को पता नहीं, जुआरी किसको बोलते हैं, जिस जो जुआ खेलता है और हारता है वो है जुआरी। जुआ खेलने वाला जुआरी नहीं है, जुआ एक गेम है, गेम खेलने वाला तो खिलाड़ी होता है, वो जुआरी कैसे हो गया? जुआरी हारने वाला होता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि कितना जीत रहा है। अगर उसका 1000 रुपया 2000 हो गया वो नहीं रुकेगा, 5000 हो गया तो वो और खेलेगा कि आज तो मैं 5 करोड़ बनाऊंगा। पर ये तो चलो जुआरी की बात होगी, जो जिंदगी में ये जो जुआरी घूम रहे हैं इनका क्या करोगे? मैंने इतने लोगों से पूछा कि भाई आप पैसा कमा रहे हो, आपकी जरूरत कितनी है, मतलब आपकी भूख कितनी है जी? 4 रोटी की। खाते कितनी रोटी हो, 4 या 5? 20 क्यों नहीं खाते? तो पैसे की जरूरत कितनी है जी? घर के चलाने के लिए कोई बोलता है 50,000 चाहिए, किसी ने बोला कि यार शहर में रहो तो कम से कम 1,00,000 रुपये महीना तो चाहिए। हाँ, तो तुम कितना कमा रहे हो? अगर 1,00,000 से कम कमा रहे हो तो 2,00,000 चाहिए। अगर 1,00,000 से ज्यादा कमा रहे हो तो क्यों फिर फालतू कमा रहे हो? तो जी कल को अगर 1,00,000 नहीं रहा तो, अरे जब 1,00,000 से कम था तब भी तो रह ही रहे थे। इसलिए लोगों को पता ही नहीं, अंधाधुंध पैसे कमाए जा रहे। मेरा घर 27,000 में चलता है, मेरा 27,000 रुपया आ गया, उसके बाद के लिए तो सब बस मजे हैं। अपने पास आ गया, अभी मैं जल्दी ही ड्राइवर रखने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास अगर पैसा आ रहा है तो आपको समाज को रिटर्न करना है। तुझे मालूम है महीने में 25 दिन हम उसको सिर्फ बैठने की सैलरी देंगे, पर क्या है कि एक आदमी का घर चलेगा उससे, है ना? कोई ना कोई हम उसको वो रोटेट करेंगे, पैसे को मार्केट में देंगे, उसको सैलरी देंगे, उसका घर चलेगा। मुझे मालूम है उसकी सैलरी तो मैं एक दिन में निकाल लूंगा, कल को कोई और रखेंगे किसी और सोर्स से। वो जो है ना लंगर लगा देना, भंडारा लगा देना, वो अपने बस की नहीं है, वो सब वो पाखंडगिरी अपने से नहीं होने वाली।
देख उसको जाना है, उसको जाने, दरवाजा खोल। हाँ हाफ गए पानी है क्या? पानी पी के आए हैं, थक गए ना बिल्कुल। दिखा मेरी शक्ल, दिखा देख, बाहर आ गई है भाग भाग। देखा वो भी थक गया, उसने पानी नहीं पिया, पर नहीं पी के आया वो भी ऊपर, ये पी के आया। रहने दे अब जाएगा, वो बहुत थक गया खेल खेल के, बस आया खेला अब जा रहा है। वो जैसे दोस्तों के घर नहीं जाते लोग घूमने फिरने, बच्चे जाते दोस्त के घर, जा रहा हूँ खेल के आ रहा हूँ जरा ऐसी। वो देखो उसने मिली के साथ सुबह तक आतंक मचा रहा, कभी भी आतंक मचाए।